ये तस्वीर अपराधियों के बुलंद हौसलों की कहानी है। नरवाना के चोपड़ा कॉलोनी में जब लोग अपने कामों में जुटे थे, तभी घर के बाहर गली में आशीष नाम का युवक अपने एक दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रहा था। तभी सामने से एक बाइक पर तीन युवक आते हैं। आशीष कुछ समझ पाता इससे पहले बाइक पर बीच में बैठे एक युवक ने आशीष पर हथियार से फायर कर दिया। आशीष बचने की कोशिश करता है लेकिन वो बच नहीं पाता है। परिजनों ने पुलिस की मदद से पहले पास के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। वो बाहर बैठा था, बाहर आए तीन बंदे और वो मेरे भांजे को गोली मारकर फरार हो गए और वो अभी रोहतक पीजीआई में गंभीर समस्या से चल रहा है भाई। उसके लिए अभी कुछ नहीं कराया जा सकता। तो आप लोगों को पता लगे वो लोग कौन थे? ये हमें, हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं जी, ना हम किसी को जानते, ना हमारा कोई मतलब, लेकिन ये वो थे नहीं थे, हम किसी से कोई हमारा लेना देना नहीं है। आशीष को गोली क्यों मारी गई फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। परिजन किसी से कोई दुश्मनी होने से इनकार कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की कोशिश में लगी है। बैठे थे तीन नौजवान लड़के जो अपने हीरोंडा मोटरसाइकिल पर आए, उन पर फायर करके चले गए। इसमें पुलिस का ये प्रयास है भी अब घटनास्थल का मुआयना कर लिया है और मुकदमा दर्ज करके जल्द से जल्द उनका पता लगाया जाएगा। सीसी फुटेज वगैरह खंगाली जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। टोटल न्यूज के लिए नरवाना से गुलशन चावला की रिपोर्ट।